साथियों, रैदास जी ने अपने एक दोहे में कहा है और अभी शिवराज जी ने उसका उल्लेख भी किया, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब संबसे, रैदास रहे प्रसन्न। यानी समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भूखा न रहे, छोटा बड़ा इससे ऊपर उठकर सब लोग मिलकर साथ रहे। आज आजादी के अमृत काल में हम देश को गरीबी और भूख से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा है, कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा गई, ठप पड़ गई। भारत के गरीब तबके के लिए, दलित आदिवासी के लिए हर कोई आशंका जता रहा था। कहा जा रहा था कि 100 साल बाद इतनी बड़ी आपदा आई है, समाज का ये तबका कैसे रह पाएगा। लेकिन तब मैंने ये तय किया कि चाहे जो हो जाए, मैं मेरे गरीब भाई बहन को खाली पेट सोने नहीं दूंगा। दोस्तों, मैं भली भांति जानता हूं कि भूखे रहने की तकलीफ क्या होती है। मैं जानता हूं कि गरीब का स्वाभिमान क्या होता है। मैं तो आपके ही परिवार का सदस्य हूं, आपका सुख दुख समझना मुझे किताबें नहीं ढूंढनी पड़ती। इसलिए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया। और आज देखिए, हमारे इन प्रयासों की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। साथियों, आज देश गरीब कल्याण की जितनी भी बड़ी योजनाएं चला रहा है, उसका सबसे बड़ा लाभ दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज को ही हो रहा है।